फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिम्फनी, आ गई हूं आज आपके लिए फिर से जीवा ज्वेलरी का और एक ज्वेलरी शॉपिंग का रिव्यू लेके। तो कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ जीवा का मंगलसूत्र चेन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू शेयर किया था। उसके बाद मुझे मेरे को लगा ना कि उसको मैंने बहुत यूज किया एंड मुझे उसका जीवा का प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उसका जो ज्वेलरीज था ना, मैंने पहली बार वो मंगलसूत्र वाला चेन लिया था। उसके बाद मैंने सोचा था कि कुछ डिज़ाइंस मैंने इयररिंग्स के भी देख रही थी एंड सोच रही थी कि अपनी बेटी के लिए कुछ छोटे छोटे इयररिंग्स खरीद के रखूँ। वो चेंजेस, वो जैसे मैं चेंज करके पहनना पसंद करती हूँ ना, उसको भी कभी कभी मम्मा ये मुझे पहनना है, मम्मा वो मुझे पहनना है। तो आई होप कि वैसे अगर चार पांच इयररिंग्स आप रख लोगे तो आई डोंट थिंक कि बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा पहनने के लिए एंड बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से डिज़ाइंस हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद मैंने अक्षय तृतीया आ रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ तो लेना ही है। तो उसके बाद मैंने जीवा से ऑर्डर किया अपने लिए एक बहन की रिंग। आजकल बहन की रिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत सारे ऑप्शंस ज्वेलरीज वगैरह में बहन की रिंग का बहुत सारे कलेक्शंस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा, मैं बहुत दिनों से एक्चुअली डायमंड में एक खरीदना चाह रही थी जीवा से पहले। मैं सोच रही थी कि कैरेट लेंस से मैं एक लूँगी, ऑफकोर्स लूँगी, लेकिन अभी मेरे को लगा कि मुझे अभी रिसेंटली मुझे और पहनने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं जीवा से ही ऑर्डर करती हूँ और देखती हूँ पहन के कैसा लगा है। फ्रेंकली स्पीकिंग, आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं 15 दिन बाद बना रही हूँ एंड आपने मेरा रिसेंटली अगर मैं कहूँ तो मैं 15 दिन से कंटिन्यूसली इसको पहन रही हूँ, कंटिन्यूसली इसको यूज़ कर रही हूँ। उसके जो शाइन में कोई कमी नहीं है, मैं वाटर यूज़ कर रही हूँ, हर कोई घर का सारा काम मैं कर रही हूँ, कोई भी मुझे इशू अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैंने जीवा से इस बार जो ज्वेलरी परचेज किया है वो कैसा है कैसा नहीं है। तो पैकेट तो मैंने ओपन कर लिया था बहुत दिन पहले। मैं इसका रिव्यू दूंगी नहीं दूंगी बोल के मैंने सोचा कि पहले मैं 15-20 दिन इसको यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही इसका रिव्यू देती हूँ। इसका रिव्यू एक्चुअली बहुत अच्छा था तो इसलिए मैंने ये वाला रिंग परचेज किया। तो ये है इसका सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी जो कि जीवा ने मुझे प्रोवाइड किया है। इसमें लिखा हुआ है कि दिस वारंटी कवर्स द रिप्लेसमेंट ऑफ योर जीवा ज्वेलरी फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल इनवॉइस इज मैंडेटरी टू क्लेम द वारंटी। वारंटी के लिए उन्होंने एक नंबर भी दिया है जिसमें अगर आप कॉल करोगे तो आपका वारंटी भी क्लेम हो जाएगा। एंड इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है, डिवास एंड जीन्स, दिस पीस ऑफ ज्वेलरी इज मेड अप 925 सिल्वर विद द हाईएस्ट क्वालिटी सीजेड स्टोन्स, AAA+ ग्रेडेड पर्ल्स एंड प्लेटेड विद 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट रोज गोल्ड, रोडियम एंड प्लेटिनम। मैंने ये प्लैटिनम फिनिश में लिया हुआ है, ये जो रिंग है मैंने प्लैटिनम फिनिश में लिया हुआ है। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा एंड उसके साथ ये एक थैंक यू कार्ड आ गया है एंड इसमें आपको थैंक यू कार्ड एक आ जाता है हर कोई जीवा ज्वेलरी में। पहले वाले में भी आपने देखा होगा कि उसमें एक थैंक यू कार्ड था और इसमें भी एक थैंक यू कार्ड है एंड इसमें आया है ज्वेलरी केयर जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। इन लोगों ये लोग बताते हैं कि ऐसे ही ये लोग एक पाउच देते हैं, हर बार अगर आप ज्वेलरी निकालते हो तो ऐसे ही पाउच में उसको रखना पड़ता है एंड इसके साथ उन्होंने क्लीनिंग क्लॉथ दिया है जिससे कि आप अपने ज्वेलरीज को क्लीन कर सकते हो एंड वो बार बार आपको लिख रहे हैं कि कोई भी पॉलिशिंग क्लॉथ जैसे हम लोग स्पिरिट लगा हुआ आता है आजकल पॉलिशिंग क्लॉथ आपका लैपटॉप क्लीन करने के लिए, मोबाइल क्लीन करने के लिए, वो सब यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें केमिकल्स होता है जो कि ज्वेलरी का शाइन ले लेता है।
उसके बाद सनलाइट और हीट में इसको एक्सपोज नहीं करना है एंड हैवी मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट भी इसमें यूज नहीं करना है, तो इसका ज्वेलरी का जो एक्चुअल साइन है वो चला जाता है। उसके बाद कैसे केयर करना है, कोई भी परफ्यूम डिओडोरेंट इसमें स्प्रे नहीं करना है डायरेक्टली, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड होता है, स्पिरिट्स होते हैं जो कि ज्वेलरी का जो मेन शाइन होता है उसको ले लेता है। उसके बाद कोई भी क्रीम या लोशन इसमें आपको आपके स्किन में कोई भी रिंग ब्रेसलेट वगैरह में इसमें डालना नहीं चाहिए, ये भी आपका ज्वेलरी का शाइन ले लेता है। एंड अनदर थिंग, ये लोग बोलते हैं कि स्ट्रेट एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए ज्वेलरी का। ये रिंग है तो हाथ में तो आई डोंट थिंक कि कोई स्वेट वगैरह नहीं आता है, अगर आप प्रॉपर केयर लेते हो तो कोई भी ज्वेलरी आपका लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। एंड ये जो ज्वेलरी है आप देखोगे तो आपको लगेगा कि प्रॉपर डायमंड ज्वेलरी है, कोई भी आपको नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा कि ये सिल्वर ज्वेलरी है। मुझे तो ये फील हो रहा था, मैं तो बहुत दिन में पहन भी रही हूँ। मेरे एक दो फ्रेंड आके मेरे को पूछे, फ्रेंड के बारे में क्या बोल रही हूँ मैं, मेरे हस्बैंड आके कल ही मेरे से पूछ रहे थे कि ये वाला डायमंड रिंग तुमने कब लिया, हम कहाँ गए थे, कब लिया हम लोगों ने। मैंने कहा अरे ये डायमंड रिंग नहीं है, एक सिल्वर रिंग है जो मैंने लिया है, परचेज किया है, वो अरे पूरा डायमंड की तरह ही दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। तो ये है डिफरेंस। तो चलिए अभी मैं ज्वेलरी की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स जो कि है जीवा से, एंड ज्वेलरी बॉक्स ओपन करते ही इसमें आपको अनुष्का शर्मा का शाइन किया हुआ मिल जाएगा। हर कोई ज्वेलरी बॉक्स में दीवा का आपको ये मिल ही जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे ज्वेलरी की तरफ। तो ये रिंग मैंने लिया हुआ है, वैन की रिंग, मैं बैक कैमरा में भी आपको दिखा दूंगी ये कैसा है। ये एडजस्टेबल है, अब कोई भी फिंगर में इसको पहनना चाहे तो इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये देखिए रिंग, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक स्टोन्स में है एंड स्टोन्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी, आप शाइन देख सकते हो। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एंड ये अगर आप इस अंगूठी में पहनना चाहते हो तो ये इसमें भी आ जाएगा आपका। ओके, जो कोई अंगूठी में आप पहनना चाहो, थोड़ा इसको बड़ा छोटा करना पड़ता है, उसके बाद आपके हाथ में आ जाता है। ये अंगूठी में मैं अभी इसको पहन रही हूँ, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये पहनने में। एंड बहुत ही अच्छा लगा, आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। ये ज्वेलरी पीस आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज मेरे को बताना। मैं एक्चुअली जीवा में अगर और भी कुछ खरीदती हूँ, मैं बहुत सारे कुछ खरीदने का प्लान रखती हूँ। सोना के लिए कुछ इयर रिंग्स मैं लूंगी 50 pairs, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसका रिव्यू भी शेयर करूंगी। बच्चे स्कूल जाते हैं तो गोल्ड या डायमंड्स का पहन के उनके बाहर छोड़ना मुझे पर्सनली थोड़ा डर लगता है। तो आप अगर सेकंड ये जो मेरा सेकंड इयर रिंग का स्लॉट है उसमें भी अगर आप पहनना चाहो तो बहुत अच्छे से छोटे छोटे आ जाते हैं जीवा में। तो मैं सोच रही हूँ आगे की उसमें से 2-3 pair मैं लूंगी, सोना के लिए भी लूंगी, अपने लिए भी लूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन लगता है मेरे को पहनने के लिए। एंड हाँ, उसका प्राइस के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसका प्राइस था 1600 rupees, एंड 1600 rupees से मुझे कुछ डिस्काउंट कूपन मेरा था पहले का, उसको यूज करके मुझे 1400 rupees में आया है। एंड 1400 rupees में ये स्टील डील है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये देखिए, आपको यहाँ से देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि ये कि सिल्वर रिंग है, ये पूरा प्लैटिनम का लुक देता है, डायमंड का लुक देता है। ये स्टोन्स आप देख सकते हो पूरा कितना शाइन कर रहा है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। इसका ना एक गोल्ड प्लेटेड कलेक्शन भी है वहां पर, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।